पिछली रात जहां बाबा ने मिट्टी की गुड़िया को जैसे ही नियंत्रण में किया, वैसे ही दूसरी ओर अपने कमरे में लेटी माही की आंखें अचानक खुल गईं। वो धीरे से अपने बिस्तर पर से उठी और उठकर चलने लगी। उसकी चाल से ये साफ समझ आ रहा था कि माही बाबा के संपूर्ण नियंत्रण में है और उसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो सीधे अपने कमरे से बाहर निकलकर किताबों वाले कमरे की ओर मुड़ गई। नपे तुले कदमों से माही कमरे में पहुंचकर उस बॉक्स के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसे घूरते हुए बोली, काम पूरा करना है, मुझे इस काम को पूरा करना है। माही तारक जल के ठीक सामने खड़ी थी। जैसे उसने तारक जल वाले बॉक्स को उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, अचानक पीछे से आवाज आई, माही, और एक हाथ माही के कंधे की ओर बढ़ा। जैसे वो हाथ माही के कंधे पर पड़ा, माही का ध्यान टूट गया। माही अपने ध्यान से निकलते हुए बड़े ही आश्चर्य के साथ बोली, मैं यहाँ कैसे, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। माही अपने साथ हुई इस अजीब सी घटना के बारे में सोच ही रही थी कि पीछे खड़ा वीर सिंह दोबारा बोला, माही तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस समय। माही अपने पीछे खड़े वीर सिंह की आवाज सुनकर ठिठक गई और अचानक पीछे मुड़कर बोली, मैं यहाँ पर, भैया मैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आई। पर वीर सिंह ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, कि क्या कह रही हो तुम, और तुम्हें हुआ क्या है, और तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी, मैंने कितनी आवाजें लगाई तुम्हें, लेकिन तुमने तो एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। वीर सिंह की बात सुन माही की बोलती बंद हो गई। वो वीर सिंह को कुछ भी बता पाने की हालत में नहीं थी, क्योंकि वास्तव में उसे खुद भी कुछ नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या है। माही ने हकलाते हुए कहा, मुझे थोड़ा काम है भैया, मैं आती हूँ। ये कहकर माही कमरे से दौड़ते हुए बाहर निकल गई। और इधर वीर सिंह कुछ भी समझ नहीं पाया कि आखिर ये अभी अभी जो हुआ वो क्या था। जहाँ एक ओर माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर गांव के बाहर अपनी कुटिया में बैठे बाबा अपनी गुड़िया को देखकर अचानक क्रोधित हो गए, क्योंकि वो गुड़िया चलते चलते अचानक थम गई थी। बाबा क्रोधित होते हुए बोले, ये क्या हुआ, ये मेरी गुड़िया कैसे रुक गई, मेरा काम अधूरा कैसे रह गया। उन्होंने तेजी से उस गुड़िया को अपने हाथों में उठा लिया और उसे घूर कर देखते हुए बोले, लगता है किसी ने मेरी गुड़िया को रोका है। खैर कोई बात नहीं, मेरी गुड़िया दोबारा प्रयत्न करेगी और मेरा काम अवश्य पूरा होगा। ये कहते हुए बाबा मुस्कुराती हुई नजर से गुड़िया को देखने लगे। उधर गांव के दूसरे हिस्से में चेतन काल भैरव मंदिर के अंदर पहुंच चुका था। वो गर्भगृह के सामने पहुंचकर खुद से बोला, सूरज उगने वाला है, इससे पहले कि पुजारी मंदिर खोल दे मुझे गर्भगृह के भीतर चले जाना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये काल दूत कहाँ रह गया। ये कहते हुए चेतन गर्भगृह के भीतर चला गया। वो दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी चेतन को आवाज आई, अरे भाई मुझे भी तो अंदर ले लो, मैं ही हूँ जो तुम्हें अतीत में ले जाने वाला हूँ। चेतन पलटा तो उसने देखा कि सामने कालदूत खड़ा था। चेतन उसे देखते ही जोर से बोला, क्या यार, नाम तुम्हारा कालदूत है, समय का हिसाब रखते हो लेकिन समय पर कभी नहीं पहुंचते हो, सुबह होने वाली है और तुम लेट हो, जल्दी करो अब। चेतन की बात सुन कालदूत ने कहा, ठीक है लेट हो गए तो क्या, चेतन बाबू समझो, चेतन की परेशानी सुलझाने के लिए एक कालदूत है, लेकिन इसे कालदूत को न जाने कितनों की परेशानी सुलझानी पड़ती है, कुछ समझे तुम। चेतन ने हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन कालदूत ने तभी गंभीर स्वर में कहा, चेतन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बार कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी जरूरी है। चेतन कालदूत की ओर आश्चर्य से देखते हुए बोला, क्या अब कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली है ना। और ये कहकर चेतन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। चेतन के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर कालदूत मुस्कुराया और मजाकिया भाव से फिर बोला,
एक बात बताओ, जब से तुम इस गांव में आए हो, कौन सा ऐसा दिन बीता तुम्हारा जब मुसीबतों ने तुम्हें नहीं घेरा? अरे भाई, मुसीबतों से जूझना ही तो तुम्हारा काम है, ये क्यों भूल जाते हो कि तुम एक रक्षक हो? इस पर चेतन कालदूत की तरफ देखते हुए बोला, हाँ तो मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ और तुम मुझे और डरा रहे हो। बातें मत घुमाओ, सीधा सीधा बताओ बात क्या है। इस पर कालदूत चेतन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, देखो मैं तुम्हें पूरी बात तो नहीं बता सकता, लेकिन इस बार की तुम्हारी अतीत काल की यात्रा पहले से और ज्यादा खतरनाक होगी। कई नए चौंकाने वाले चेहरे और रहस्य भी तुम्हें जगह जगह मिलते रहेंगे। मैंने सोचा तुम्हें वार्न कर दूं। चेतन कालदूत की तरफ देखकर बोला, हाँ मैं सतर्क रहूंगा। इस पर कालदूत ने कहा, वैसे तो पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर कह देता हूँ, इस बार तुम चित्रलेखा वाले काल में नहीं जाओगे, बल्कि किसी और अतीत में जाओगे, जहाँ तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कालदूत की बात सुनकर एक पल के लिए चेतन सोचने लगा, लेकिन तभी कालदूत बोला, चलो अब तुम जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। दोनों फटाफट गर्भगृह की उस दीवार तक पहुंच गए। चलते चलते चेतन बोला, यार बड़े अजीब हो तुम, खतरे का अंदाजा तो मुझे भी है, लेकिन मेरे भाई मरने वाले को ना कभी ये नहीं कहा जाता कि वो मरने वाला है। चलो शुरू करो तुम्हारा जादुई खेल दीवार पर, मुझसे तो खुलने से रही है दीवार। कालदूत चेतन की बात सुनकर मुस्कुराया और चेतन की ओर एक अंगूठी बढ़ाते हुए बोला, ये लो अंगूठी, पता है ना क्या करना है, और अब की बार कोई गड़बड़ मत करना। मुस्कुराते हुए चेतन ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनते हुए कहा, ये लो पहली अंगूठी, अब किसी को नजर नहीं आऊंगा, बस। कालदूत चेतन की बात सुनकर हंस पड़ा और फिर उसने गर्भगृह की दीवार को छुआ तो एक सफेद रोशनी गर्भगृह में फैल गई और उसी रोशनी के साथ ही चेतन और कालदूत उस रोशनी में गायब हो गए। जब उस रोशनी की चकाचौंध खत्म हुई तो चेतन किसी और ही जगह पर खड़ा था। वो यहाँ वहां आश्चर्य से देखते हुए बोला, ये जगह तो किसी भी एंगल से फूलपुर नहीं लग रही, आखिर मैं हूं कहाँ? कुछ कदम यहाँ वहां चलकर आसपास का माहौल देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो एक मिठाई की दुकान पर खड़ा था। बच्चा बोला, भैया जलेबी देना। दुकानदार ने जलेबी तौल कर दे दी। बच्चा बोला, कितने पैसे हुए? दुकानदार बोला, 25 पैसे। चेतन 25 पैसे सुनकर चौंक गया और हैरानी से बोला, हैं? आखिर ये समय कौन सा है? वो इस बारे में सोच ही रहा था कि उसकी नजर कुछ ही दूरी पर स्थित दीवार पर लगे एक फिल्म के पोस्टर पर पड़ी, जिसे देखकर चेतन दंग रह गया और आश्चर्य से सोचते हुए बोला, ये मूवी, ये तो काफी पुरानी लगती है, और ये नीचे क्या लिखा है? सोचते हुए चेतन उस पोस्टर के करीब गया तो देखा कि वहां उस फिल्म के रिलीज डेट लिखी थी 2 फरवरी 1970 से नजदीकी सिनेमा घर में। इस तारीख को पढ़ते ही चेतन चौंकते हुए बोला, ओह, अगर ये रिलीज डेट सही है तो इसका मतलब है मैं 1970 में हूँ, लेकिन अब मुझे कहाँ जाना है, ये कौन बताएगा? वो उस कच्ची सड़क पर खड़ा चारों ओर देखते हुए बोला, आखिर अब मैं जाऊं किस तरफ, समझ ही नहीं आ रहा। परेशान खड़ा चेतन चारों ओर देख रहा था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, चेतन सुनो। इस आवाज को सुन चेतन सकपका गया और अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, क्या मुझे यहाँ भी किसी ने देख लिया? उसने तुरंत ही अपनी उंगली में अंगूठी चेक की और बोला, लेकिन अंगूठी तो उंगली में ही है, फिर कैसे कोई मुझे देख सकता है? चेतन इसी कश्मकश में उलझा हुआ था कि उसे एक बार फिर पीछे से आवाज आई, अरे चेतन। ये सुनते ही चेतन हिम्मत करके पीछे मुड़ा तो देखा एक आदमी धोती कुर्ता पगड़ी और फलों की टोकरी लिए फल बेचने निकला था। चेतन उसे देखकर बोला, कालदूत तुम ऐसे? कालदूत हंसते हुए बोला, ऐसा ही कुछ समझो, वो क्या है ना, तुम्हारे पास तो अंगूठी है, लेकिन मुझे तो अपना हुलिया छिपा कर रखना है ना, इसलिए मैंने ये फल वाले का हुलिया बना रखा है। तुम ही बताओ
लग रहा हूँ ना आंसर फल वाला। चेतन हंसते हुए बोला, सर हम मुद्दे की बात करो, जब देखो खुद की तारीफ करते रहते हो, बताओ तुम यहाँ कैसे। कालदू चेतन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला, मैं भी तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ इस बार, तुम हमेशा अकेले रहते हो तो सोचा मैं भी थोड़ा एडवेंचर कर लूं। उसकी बात सुन चेतन यहाँ वहाँ देखते हुए बोला, वो सब तो ठीक है लेकिन हम जाएंगे कहाँ। जहाँ एक तरफ चेतन और कालदूत अतीत में पहुंचकर अपनी बातों में व्यस्त थे, तो वहीं वर्तमान में जंगल के उस गुफा में सिद्धि साधक अपनी सिद्धियों की मदद से अर्पणा पर कुछ क्रियाएं करने में लगा था। सिद्धि साधक ने गुफा के चारों ओर एक बड़ा सा लाल घेरा बनाया और तेज आवाज में बोला, लड़की तुम ही हो जो मेरे और उस खूनी वधु के बीच की एक कड़ी हो। तुम्हें खोना मतलब अपनी पराजय को निमंत्रण देना है। इसके लिए मैं अब वो प्रबंध करूंगा जिससे तुम तो क्या, तुम्हारी आत्मा भी मेरे वश से नहीं निकल पाएगी। इसके बाद सिद्धि साधक ने अपनी भूमि सिद्धि के प्रयोग से उस लाल घेरे के ऊपर कंकड़ों का घेरा निर्मित कर कुछ शब्दों का उच्चारण करने लगा। जैसे जैसे उच्चारण की ध्वनि तेज होकर गुफा में गूंजने लगी, अल्पना का शरीर जकड़ने लगा और कुछ देर बाद जैसे ही सिद्धि साधक ने उन शब्दों का उच्चारण बंद किया तो अल्पना मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। ये देख सिद्धि साधक हंसते हुए बोला, मेरी इन नई शक्तियों की काट असंभव है लड़की, मेरे सफल होने तक ये गुफा ही तुम्हारा संसार है। जहाँ सिद्धि साधक ने गुफा के आसपास लाल घेरा बनाकर अर्पणा के बचने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, तो वहीं दूसरी ओर अपने समस्याओं से घिरा वीर सिंह माही के साथ किताबों वाले कमरे में खड़ा था। वो माही को कमरे में रखी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोला, माही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो यहाँ। माही वीर सिंह को अचंभे से देखते हुए कुर्सी पर बैठ गई और बोली, क्या बात है भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब वीर सिंह माही की इस बात पर उसे नजरें चुराते हुए बोला, जब मेरी प्यारी बहन मेरे कारण परेशान रहेगी तो मुझे परेशान होना ही पड़ेगा ना। माही वीर सिंह की बात सुनकर बोली, क्या कहना चाहते हैं आप, साफ साफ कहिए ना भैया। वीर सिंह ने माही की बात का जवाब देते हुए गंभीरता से कहा, तुमने कल मुझे अपनी कसम खाने को कहा था ना, मैं नहीं खा पाया तुम्हारी कसम, मैं चुप रहा क्योंकि सच तो ये है कि हाँ कुछ बातें हैं जो मैंने तुमसे और चेतन से छिपाई है, लेकिन वो बातें मैं समय आने पर बताऊंगा। माही उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी, वो उठी और खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच कर बोली, ठीक है भैया आप जब चाहे बता सकते हैं, ये आपका फैसला है। माही की बात सुन वीर सिंह ने कहा, शुक्रिया माही हमारी बात सुनने के लिए, लेकिन चेतन कहाँ है, मुझे उससे भी माफी मांगनी है। माही वीर सिंह का सवाल सुन थोड़ा उदास हो गई और जवाब देते हुए बोली, भैया चेतन अतीत में जा चुका है, मेरे लाख रोकने के बाद भी वो नहीं रुका, मैं नहीं जानती कि अब आगे क्या होने वाला है। ये सुनते ही वीर सिंह भी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और माही के करीब आते हुए बोला, ओह तो चेतन मुझसे इस कदर नाराज था कि मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। खैर कोई बात नहीं, इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। ये कहते हुए वीर सिंह ने माही के उदास मन को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो माही, वो रक्षक है, वो जरूर लौट आएगा। इधर वर्तमान में माही और वीर सिंह दोनों चेतन के लिए चिंतित थे, तो उधर अतीत में चेतन और कालदूत अपने प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए एक दिशा में निकल पड़े थे। शाम का वक्त हो चला था, चेतन और कालदूत बिना किसी लक्ष्य के उस अजनबी शहर की सड़कों पर चले जा रहे थे कि तभी अचानक उन्हें तेज आवाज सुनाई पड़ी। आवाज एक बड़े से ढोल की थी। जैसे ही चेतन ने आवाज सुनी वो चौंक कर बोला, कालदूत ये आवाज कैसी है। तभी दोनों ने देखा कि एक आदमी साइकिल चलाता हुआ आ रहा था और दूसरा आदमी उसके पीछे बैठा ढोल बजाए जा रहा था। उन्हें देख कालदूत कुछ सोचते हुए बोला, पुराने समय में इसे ढिंढोरा पीटने वाला कहते थे। इसका प्रयोग तब होता था जब नगर प्रमुख या पंचायत कोई सूचना नगर में पहुंचाना चाहे या नगर वासियों को किसी खतरे की जानकारी देनी हो। कालदूत की बात सुन चेतन बोला, तो
तुम्हें क्या लगता है अभी इस समय इसका क्या मतलब हो सकता है? कालदूत ने जवाब देते हुए कहा, चलो सुनते हैं। चेतन और कालदूत आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि एकाएक चारों ओर भगदड़ मचने लगी। वो ढोल वाला चौराहे पर खड़ा होकर जोर जोर से ढोल बजाता जा रहा था और लोग अपनी दुकानों को समेट रहे थे। सड़कों की भीड़ एकदम से छटने लगी और लोग भाग भाग कर अपने घरों के अंदर जाने लगे। तभी एक आदमी ने दुकान बंद कर रहे दूसरे आदमी से कहा, बाबा अजयनाथ ने उस खूनी वधु को तो अपने नियंत्रण में ले लिया था, पता नहीं अब ये कौन सी भूतनी आ गई है। ये खूनी वधु नहीं है, पर जो भी है ये बहुत खतरनाक है। बाबा को वापस आकर इसे भी अपने साथ कैद करके ले जाना चाहिए, तभी मिलेगी मुक्ति हमें इस भूतनी से। चेतन ये सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन अभी अभी उसने जो सुना उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही पल में सड़कों पर चारों ओर सन्नाटा पसर गया, लेकिन कालदूत और चेतन अब भी वहीं खड़े रहे। इस पर चेतन ने कालदूत की ओर घूरते हुए पूछा, ये अजरनाथ कौन है? कालदूत, आखिर उस बाबा ने चित्रलेखा खूनी वधु को नियंत्रण में क्यों किया है और कहाँ रखा है उसे? और अगर चित्रलेखा खूनी वधु को अजरनाथ ने नियंत्रित किया है तो ये भूतनी कौन है? आखिर कौन है ये बाबा अजयनाथ जिसने चित्रलेखा खूनी वधु को किया है कैद, और कौन है इस काल में ये नई भूतनी जिसने मचाया है गांव में आतंक? जानने के लिए सुनते रहे खूनी वधु।